राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उनके कद तथा यहां प्रभावशाली समुदाय में उनकी गहरी पैठ के भरोसे जीत की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर भाजपा का दांव हिंदुत्व की आवाज को मुखरता से उठाने और स्थानीय बनाम बाहरी पर है। टोंक से भाजपा के उम्मीदवार अजीत सिंह मेहता स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं और उनका दावा है कि पायलट को इस बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होने का लाभ नहीं मिलेगा जो उन्हें 2018 में मिला था। मेहता का कहना है कि वह टोंक निवासी हैं जो लोगों की समस्याओं को जानते हैं। यहां मुख्य बाजार में दर्जी का काम करने वाले मोहम्मद रजवान अली कहते हैं कि पायलट आज नहीं तो कल या परसों मुख्यमंत्री बनेंगे, वह भविष्य है। इस चुनाव में लोग टोंक की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक राष्ट्रीय स्तर का नेता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। भाजपा ने पार्टी सांसद और गुर्जर नेता रमेश विधूड़ी को टोंक में चुनाव की जिम्मेदारी दी है। विधूड़ी ने हाल ही में कहा था कि राजस्थान और टोंक के चुनाव पर लाहौर की नजर है। दूसरी ओर पायलट ने अच्छे अंतर के साथ इसी सीट से फिर निर्वाचित होने का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वह पिछली बार की तरह अच्छा जनादेश हासिल करेंगे। आपको बता दें कि पायलट ने 2018 के चुनाव में भाजपा के बड़े नेता यूनुस खान को 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। पायलट ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में टोंक की जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद और समर्थन दिया है। इन 5 वर्षों में हम वह विकास करने में सफल रहे हैं जो इस क्षेत्र में नहीं हुआ था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पिछली बार की तरह अच्छा जनादेश हासिल करेगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो काम किया है उससे पता चलता है कि हम सभी को एक साथ लेकर चलने में और बिना किसी पक्षपात के विकास कर सके हैं, इसलिए बहुत सारे ग्रामीण बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, युवा लोगों का भविष्य हम उन क्षेत्रों में लेकर आने में सक्षम हुए हैं।